25 न्यूज की आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सितंबर का महीना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारतों से जहाज टकराने का वाकया हुआ, जिसमें हजारों अफराद हलाक हो गए थे। महज सितंबर 1945 को दूसरी जंग अजीम में अमरीका की जानिब से एटमी बम गिराए जाने के बाद जापान ने हथियार डाल दिए थे। 6 सितम्बर को पाक भारत जंग भी हुई थी। महज सितम्बर में ही बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई, जबकि पाकिस्तान और यूनान 1947 को सितंबर के महीने में ही अक्वामे मुताहिदा के रुकन बने। 16 सितंबर 1977 को साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। अट्ठाईस सितंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए खदशा जाहिर किया था कि इन पर कातिलाना हमला हो सकता है। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 20 सितंबर 2008 को पार्लियामेंट से बतौर सदर पहली मरतबा खिताब किया। 24 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी ने अमरीका की नायब सदारत की उम्मीदवार सारा पालन से मुलाकात की, जबकि उन्होंने बतौर सदर चीन का दौरा भी सितम्बर के महीने में किया था। आसिफ अली जरदारी साल 2013 को सितम्बर के महीने में ही मुद्दत सदारत पूरी होने पर दार से लैदा हो गए थे, जबकि ममनून हुसैन ने माह सितंबर में ही सदारत का ओहदा संभाला। माह सितंबर के महीने में पाक भारत जंग का आगाज हुआ। मुसल्लह फौज के अयाम योम फजाइया, योम बहरिया और योम दफा मनाए जाते हैं। माह सितंबर में 2007 को नवाज शरीफ जिला वतनी खत्म होने पर वतन वापस आए। माह अगस्त खत्म हो चुका, जबकि सितंबर का आगाज हो गया है। मुल्क में बाज़ सियासी वाकयात के हवाले से भी माह सितंबर को सितमगिर समझा जा रहा है। 25 न्यूज़ इस्लामाबाद।